जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से एक घंटे पहले और सूर्यास्त के एक घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करते हैं, तो भगवान शिव जी उनके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार रात्रि 10:43 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को रात्रि 1:12 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय जो कि 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 21 अप्रैल को जो प्रदोष काल का पूजन का समय होगा, वह समय शाम 6:24 से शाम 7:24 तक होगा। इस दिन राहु काल का जो समय है 21 अप्रैल को जो कि शाम 4:47 से शाम 6:23 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 6:23। 21 अप्रैल को नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:08 तक होगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र योग जो कि व्याघात योग होगा अगले दिन सुबह 4:45 तक, उसके बाद हर्षण योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक होगा और अमृत सिद्धि योग रवि योग दोनों बन रहा है जो कि शाम 5:08 से अगले दिन सुबह 5:48 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 21 अप्रैल को सुबह 4:21 से सुबह 5:05 तक होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें, बिलपत्र भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें, फिर जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर रवि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें या भगवान शिव जी के स्तोत्र का शिव चालीसा का पाठ आदि का श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।